राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी की जिला कमेटी का किया गया विस्तार वाराणसी। राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के कोर कमेटी की एक बैठक आज जगतगंज स्थित कैंप कार्यालय पर आयोजित की गई, जिसमें संगठन के विस्तार के लिए जिला अध्यक्ष जयप्रकाश मिश्रा की कमेटी में जिला प्रमुख महासचिव के पद पर शैलेश उपाध्याय एवं अनिता कन्नौजिया को जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने कहा कि शैलेश उपाध्याय एवं अनिता कन्नौजिया द्वारा हिंदू हित के लिए पूर्व में किए गए कार्यों को एवं राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के जनाधार को मजबूत करने की दिशा में अग्रणी भूमिका का निर्वहन निस्वार्थ भाव से करने के प्रति इनके भाव को देखते हुए इन्हें मनोनीत किया गया है। इस अवसर पर मुख्य रूप से राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप कुमार गुप्ता, जिला अध्यक्ष जयप्रकाश मिश्रा, मनीष सिंह रघुवंशी, ओम नारायण दुबे, रमेश यादव, छेदीलाल, गौरव पांडेय एवं सन्नी पांडे सहित पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारे वाराणसी जिला अध्यक्ष श्री जयप्रकाश मिश्रा जी द्वारा अपने कार्यकारिणी का विस्तार करने के क्रम में श्री शैलेश उपाध्याय जी को प्रमुख महासचिव एवं अनीता दास जी को जिला उपाध्यक्ष मनोनीत करते हुए उनको उनका अधिकार और दायित्व पत्र प्रदान किया गया है। और श्री शैलेश उपाध्याय जी द्वारा विगत कई वर्षों से सनातन धर्म को मजबूत और आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है, तो निसंदेह हमारे जिला अध्यक्ष जयप्रकाश मिश्रा जी का यह स्वागत योग्य कदम है। और श्री शैलेश उपाध्याय जी के प्रमुख महासचिव के दायित्व लेने से संगठन को मजबूती और सुदृढ़ता मिलेगी। इसी क्रम में अनिता दास जी द्वारा भी सनातन धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में कई वर्षों से काम किया जा रहा है और उनके पास तमाम सनातनियों की एक अच्छी संख्या बल है, तो निश्चित रूप से उनके द्वारा भी संगठन को सुदृढ़ और गतिशील बनाने में सहयोग और मजबूती प्रदान होगी।